Titulky vytvořil JohnyX. नमस्कार आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है आज के व्याख्यान का विषय है अनुसंधान डिजाइन नमूनाकरण और डाटा संग्रहण उपकरण और तकनीक इस परिचर्चा में हम उपलब्ध अनुसंधान डिजाइनों के बारे में पता करेंगे तथा विभिन्न गुणात्मक और मात्रात्मक अध्ययनों के लिए उपलब्ध नमूने के प्रकार के बारे में जानेंगे साथ ही अनुसंधान के लिए डाटा संग्रह के लिए उपलब्ध विभिन्न उपकरणों और तकनीकों पर भी चर्चा करेंगे हमारे विषय विशे विशेषज्ञ हैं श्री कृष्णा शंकर कुसुमा जो वर्तमान में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के अनवर जमाल की दिवई मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और मैं हूँ साक्षी मांडवाल आज के व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं अनुसंधान डिजाइन अनुसंधान में नमूनाकरण का परिचय नमूनाकरण के प्रकार डाटा संग्रहण उपकरण और तकनीक प्रश्नावली अनुसूची साक्षात्कार अवलोकन केस अध्ययन अनुसंधान डिजाइन परिचय अनुसंधान डिजाइन समग्र रणनीति को संदर्भित करता है जिसे आप अध्ययन के विभिन्न घटकों को एक सुसंगत और तार्किक तरीके से एकीकृत करने के लिए चुनते हैं जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अनुसंधान समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित करेंगे यह संग्रह के संग्रह माप और विश्लेषण के लिए खाका तैयार करता है अनुसंधान डिजाइन के प्रकार शोध डिजाइन एक व्यापक ढांचा है जो वर्णन करता है कि संपूर्ण शोध परियोजना कैसे की जाती है विभिन्न प्रकार के शोध डिजाइन समस्या की प्रकृति और अध्ययन के उद्देश्यों पर निर्भर करते हैं अनुसंधान डिजाइन चार प्रकार के होते हैं पहला व्याख्यात्मक अनुसंधान डिजाइन दूसरा वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन तीसरा एक्सप्लोरेटिव अनुसंधान डिजाइन चौथा प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन व्याख्यात्मक अनुसंधान डिजाइन इस प्रकार के अनुसंधान में परिकल्पना तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है यह शोधकर्ता के व्यक्तिगत निर्णय और कुछ नई चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर आधारित है व्याख्यात्मक शोध को कारण और प्रभाव को समझने के लिए विचारों से कनेक्ट करने के एक प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कि शोधकर्ता इस बात की व्याख्या करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन में एक शोधकर्ता अपने अध्ययन के तहत किसी विशेष स्थिति या घटना का वर्णन करने में रुचि रखता है एकत्रित आंकड़ों के संग्रह डिजाइन और प्रस्तुति के आधार पर यह एक सैद्धांतिक प्रकार का अनुसंधान डिजाइन है वर्णात्मक अनुसंधान डिजाइन में लोगों की सामग्रियों विज्ञान अर्थशास्त्र की विशेषताओं जैसे कि उनकी उम्र शिक्षा वैवाहिक स्थिति और आय आदि की विशेषताओं को शामिल किया जाता है डाटा की गुणात्मक प्रकृति को ज्यादातर लोगों के ज्ञान रवैये विश्वासों और राय जैसे एकत्र किए जाते हैं ऐसे डिजाइन के उदाहरण अखबारों के लेख फिल्म नाटक और दस्तावेजी आदि हैं। खोजी अनुसंधान डिजाइन यहाँ शोधकर्ता समस्या के मूल कारणों के बारे में जानना चाहता है वह समस्याग्रस्त स्थिति के लिए जिम्मेदार कारकों का अध्ययन करता है यह एक ऐसी समस्या है कि अनुसंधान डिजाइन को हल करने के मुख्य रूप में शामिल है समस्या का उद्भव समस्या का निदान समस्या के समाधान समस्या समाधान के लिए सुझाव प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन इस प्रकार के अनुसंधान डिजाइन अक्सर प्राकृतिक विज्ञान में प्रयोग किया जाता है लेकिन यह सामाजिक विज्ञानों से अलग है मानव व्यवहार को परीक्षण ट्यूब और सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से मापा नहीं जा सकता सामाजिक शोधकर्ता इस प्रकार के अनुसंधान डिजाइन में प्रयोग की एक विधि का उपयोग करता है एक समूह को स्वतंत्र चर कहा जाता है जबकि दूसरे को आश्रित चर नामक नियंत्रण समूह माना जाता है परिणाम दोनों समूहों की तुलना करके प्राप्त किया जाएगा दोनों एक दूसरे के बीच कारण और प्रभाव से संबंधित हैं अनुसंधान में नमूनाकरण का परिचय नमूनाकरण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नमूनाकरण एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से किया जाता है अध्ययन के गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकृति के आधार पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार की नमूनाकरण तकनीकें हैं ये अधिक या कम है लक्ष्य जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्ति का अध्ययन करना असंभव है ताकि जनसंख्या के एक नमूना या उपसमूह का चयन किया जा सके जो लक्षित आबादी का प्रतिनिधि हो नमूना एक भाग है जिसमें बड़ी आबादी की विशेषता शामिल है नमूने का उपयोग जब नमूना एक भाग है जिसमें बड़ी आबादी की विशेषता शामिल है नमूने का उपयोग तब किया जाता है जब अध्ययन के लिए आबादी का आकार बहुत बड़ा होता है एक नमूना को पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और विशिष्ट विशेषता की ओर पूर्वग्रह को प्रतिबिंबित नहीं करना चाहिए अनुसंधान में जनसंख्या व्यक्तियों या वस्तुओं के पूरे समूह को संदर्भित करता है जिनके लिए शोध किया जाएगा एक शोध आबादी को व्यक्तियों या वस्तुओं के समान परिभाषित संग्रह के रूप में भी जाना जाता है जिनके समान लक्षण हैं। एक निश्चित आबादी के भीतर सभी व्यक्तियों या वस्तुओं में आमतौर पर एक बाध्यकारी विशेषता होती है नमूना और आबादी एक दूसरे के समान होने चाहिए नमूना का आकार किसी भी अनुभवजन्य अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसमें लक्ष्य नमूना से आबादी के बारे में जानकारी बनाना है नमूना चयन ढांचा आबादी की सभी इकाइयों की एक पूरी सूची को नमूना फ्रेम कहा जाता है नमूना फ्रेम में आबादी की सभी इकाइयां होती हैं यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए कि फ्रेम में कौन सी इकाइयां शामिल की जानी चाहिए फ्रेव नमूना के चयन के लिए एक आधार प्रदान करता है नमूनाकरण के प्रकार अध्ययन की आवश्यकता और प्रकृति के आधार पर विभिन्न प्रकार के नमूने उपलब्ध हैं व्यापक वर्गीकरण में से एक गुणात्मक और मात्रात्मक अध्ययनों के आधार पर है वे इस प्रकार है पहला संभाव्यता नमूनाकरण दूसरा गैर संभाव्यता नमूनाकरण संभाव्यता नमूनाकरण संभाव्यता नमूना को गणितीय नमूनाकरण भी कहा जाता है सभी प्रकार के संभाव्यता नमूनाकरण का मूल सिद्धांत एक नमूना जनसंख्या का प्रतिनिधि होगा जहां से यह चुना जाता है कि जनसंख्या के सभी सदस्यों को चुना जाने की समान संभावना है जिसे चयन विधि ई पी एस ई एम की समान संभाव्यता कहा जाता है यह अध्ययन तत्वों के चयन के लिए सबसे प्रभावी विधि में से एक है इस नमूना चयन में शोधकर्ता के पक्षपात से बचा जाता है यह नमूनाकरण त्रुटि को मापने में सहायता करता है संभाव्यता नमूने के प्रकार संभाव्यता नमूने के विभिन्न प्रकार हैं संभाव्यता नमूने के कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रकार सूचीबद्ध है सरल याद्छिक नमूना व्यवस्थित नमूना स्तरीकृत नमूना क्लस्टर नमूना बहुस्टेज नमूना संभाव्यता नमूना संभाव नमूना नमूनाकरण एक नमूना तकनीक है जहाँ नमूने एक प्रक्रिया में इकट्ठा किए जाते हैं जो जनसंख्या में सभी व्यक्तियों को चयनित होने की समान संभावना नहीं देते हैं गैर संभाव्यता नमूनाकरण के प्रकार प्रायोगिक अध्ययनों में गैर संभाव्य नमूने का उपयोग किया जाता है यह एक पायलट अध्ययन है जो वास्तविक शोध के एक छोटे पैमाने पर आयोजित होने से पहले आयोजित किया जाएगा गैर संभाव्यता नमूने के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं पारस्परिक नमूना कोटा नमूना सुविधा नमूना स्नोबॉल नमूना न्यायिक नमूना संभाव्यता समलिंग सरल याद्रचिक नमूनाकरण साधारण यादरचिक नमूना, नमूना विषयों को चुनने का एक पूरी तरह यादृिक तरीका है इसमें सभी विषयों को संख्याओं को आसान करना शामिल है और फिर यादृचिक संख्याओं को चुनने के लिए यादृचिक संख्या उत्पन्न का उपयोग कर सकते हैं ऐसा करने के लिए कई तरीके हैं यह एक डिब्बे में रखे गए नामों के साथ पेपर के पट्टियों को चुनने के रूप में यांत्रिक हो सकता है जबकि शोधकर्ता ने उसके आंखों पर पट्टी बांध दी है या यह बेतरतीब अंक या यादृिक तालिकाओं का इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करना जितना आसान हो सकता है स्तरीकृत प्रतिचयन स्तरीकृत रैंडम नमूनाकरण में विभाजन विषयों को पारस्परिक रूप से विशेष समूहों में शामिल किया जाता है और फिर समूहों के सदस्यों या प्रत्येक उप समूह से सदस्यों का चयन करने के लिए साधारण यादृचिक नमूना का उपयोग करना यह अधिक प्रतिनिधित्व करने और संभावित नमूनाकरण त्रुटि को कम करने में मदद करेगा उदाहरण के लिए यदि आपका लक्षित जनसंख्या विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो प्रत्येक उप श्रेणी में प्रत्येक विश्वविद्यालय की डिग्री के छात्र शामिल होंगे अंग्रेजी छात्रों कानून छात्रों मनोविज्ञान छात्रों इंजीनियरिंग छात्रों पत्रकारिता छात्रों आदि फिर आप नमूना चुनने के लिए यादृचिक नमूने का उपयोग करेंगे व्यवस्थित नमूनाकरण व्यवस्थित नमूनाकरण का अर्थ है कि आप प्रत्येक एंथ एंटवल व्यक्ति को नमूना में शामिल करने के लिए पूरी प्रक्रिया से चुने उदाहरण के लिए आप सूचीबद्ध प्रत्येक पाँचवें व्यक्ति को चुन सकते हैं नमूनाकरण का नमूना इस प्रकार के नमूने में आवधिकता महत्वपूर्ण है चुनने वाली क्लस्टर यादृच्छिक जांच क्लस्टर यादृच्छिक नमूना तब किया जाता है जब साधारण यादृच्छिक नमूना जनसंख्या के आकार की वजह से लगभग असंभव है क्लस्टर नमूनाकरण में शोधकर्ता पहले अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं को पहचानता है शोधकर्ता बेहतर भी ढंग से पहचान किए गए क्षेत्रों की एक संख्या का चयन करता है यह महत्वपूर्ण है कि आबादी के सभी क्षेत्रों को चुना जाने की समान संभावनाएं दी जाए शोधकर्ता या तो चयनित क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को शामिल कर सकता है या वह यादृक रूप से पहचान वाले क्षेत्रों से विषयों का चयन कर सकता है मल्टी स्टेज क्लस्टर नमूनाकरण इस संभावना नमूनाकरण तकनीक में दो या अधिक नमूनाकरण तकनीकों का एक संयोजन शामिल है जो उपरोक्त वर्णित है क्षेत्र या प्रयोगशाला में किए गए अधिकांश जटिल शोधों में ये केवल एक प्रकार की संभाव्यता नमूने का उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है अधिकांश शोध प्रत्येक चरण के साथ विभिन्न चरणों में किए जाते हैं जिसमें एक अलग यादृच्छिक नमूना तकनीक लागू होती है गैर संभावित नमूना, आराम नमूना, आराम शोधकर्ता की सुविधा के अनुसार नमूने का चयन किया जाता है। नमूनों के प्रतिनिधियों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है इसलिए इसके परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होते हैं वह प्रकृति में पक्षपाती हैं। है वर्णात्मक और आकस्मिक अध्ययन में उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है सुविधा के अध्ययन के लिए सुविधा नमूना उपयुक्त है निष्कर्ष या परीक्षण नमूना सबसे पहले एक नमूना उस आबादी से लिया गया है जो एक शोधकर्ता जनसंख्या का प्रतिनिधि होने के बारे में सोचता है सभी सदस्यों को नमूने में चयनित होने का मौका नहीं मिलता है आबादी के ज्ञान उसके तत्वों और अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर एक नमूना का चयन करना होता है इसका उपयोग तब किया जाता है जब फील्ड शोधकर्ता उन मामलों का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं जो व्यवहार और व्यवहार के नियमित पैटर्न में फिट नहीं होते हैं कोटा नमूना यह स्तरीकृत नमूने का एक रूप है जनसंख्या समूहों में विभाजित है नमूना में लक्षित आबादी के प्रत्येक उपवर्ग के पूर्व निर्धारित प्रतिशत शामिल हैं प्रत्येक समूह को आबादी के अपने हिस्से के लिए उचित वजन निर्दिष्ट किया जाता है डेटा को कुल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए कोटा नमूना करण में आबादी को पहले से ही पृथक उप समूहों में विभाजित किया गया है जैसे कि स्तरीकृत नमूने में इसके बाद निर्णय एक विशिष्ट अनुपात के आधार पर प्रत्येक खंड से विषयों या इकाइयों का चयन करने के लिए किया जाता है जिसे कोटा नमूना कहा जाता है स्तरीकृत नमूनाकरण में आबादी के उप समूह बनाए जाते हैं ताकि प्रत्येक उप समूह में एक सामान्य विशेषता हो जैसे कि लिंग यादृक नमूना प्रत्येक उप समूह से कई विषयों को चुनता है एक कोटा नमूना के विपरीत प्रत्येक संभावित विषय को चयनित होने की ज्ञात संभावना है उदाहरण के लिए यदि आपकी लक्षित आबादी विश्वविद्यालय के छात्रों में है तो प्रत्येक उपश्रेणी में आवंटित आवश्यक प्रतिशत होगा दस प्रतिशत अंग्रेजी छात्रों बीस प्रतिशत कानून छात्रों पांच प्रतिशत मनोविज्ञान छात्रों इंजीनियरिंग छात्रों के पांच प्रतिशत और पत्रकारिता छात्रों के साठ प्रतिशत व्यापक नमूने लेना यह अन्य नमूनों की सिफारिश पर चयनित एक नमूना है इसे चयन नमूना या रेफरल नमूना भी कहा जाता है शोधकर्ता एक लक्षित लोकेशन के सदस्यों के बारे में डाटा एकत्र कर सकता है और फिर उन आबादी के अन्य सदस्यों को ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है डाटा संग्रहण उपकरण और तकनीक अनुसंधान करने के विभिन्न तरीकों के लिए उपलब्ध टूल और तकनीकों की संख्या है ये डाटा के गुणात्मक या मात्रात्मक आवश्यकता के अनुसार डिजाइन और संशोधित होंगे उदाहरण साक्षात्कार के लिए निरीक्षण और मामले का अध्ययन गुणात्मक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है जबकि व्यवहारिक आंकड़ों के संग्रहण के लिए व्यवहारिक पैमाने के उपयोग के साथ प्रश्नावली का उपयोग किया जाएगा उनमें से प्रत्येक का विस्तृत विवरण इस प्रकार है प्रश्नावली अनुसूची साक्षात्कार अवलोकन केस अध्ययन प्रश्नावली प्रश्नावली एक शोध उपकरण है जिसमें उत्तरदाताओं से जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से कई प्रश्न शामिल होते हैं यद्यपि वे अक्सर प्रतिक्रियाओं के सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए डिजाइन किए जाते हैं यह हमेशा मामला नहीं होता है प्रश्नावली प्रश्नों की लिखित सूची के रूप में परिभाषित की गई है उत्तर के उत्तरदाताओं द्वारा दर्ज किए गए हैं ये एक सर्वेक्षण या सांख्यिकीय अध्ययन के उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए उत्तरों के चुनाव के साथ मुद्रित या लिखित प्रश्नों का एक समूह है दो प्रकार के प्रश्न प्रश्नावली होते हैं पहला खुली दूसरा बंद खुले प्रश्न अपने दर्शकों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक स्वतंत्र तरीके से कहने का अवसर प्रदान करते हैं इन सवालों के जवाब पूर्व निर्धारित नहीं है और उत्तरदाता को जो भी सही लगता है उसका जवाब देने के लिए स्वतंत्र है अपनी प्रश्नावली में खुला प्रारूप सवाल शामिल करके आप सही व्यवहारिक और अनपेक्षित सुझाव प्राप्त कर सकते हैं गुणात्मक प्रश्न इस श्रेणी में आते हैं एक से अधिक विकल्प वाले प्रश्न जहां उत्तरदाताओं को दिए गए एकाधिक विकल्प उत्तरों में से चुनने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है जिन्हें बंद स्वरूप या बंद किए गए प्रश्नों के रूप में जाना जाता है कितने बहुविकल्प दिए जाने के लिए कोई निश्चित सीमा नहीं है आपके प्रश्नावली डिजाइन में बंद स्वरूप सवालों के मुख्य फायदे में से एक है प्रारंभिक विश्लेषण करने में आसानी होती है ये प्रश्न सांख्यिकीय आंकड़ों और प्रतिशत गणना के लिए आदर्श है क्योंकि इसमें उत्तर सेट ज्ञात है किसी भी मुद्दे उत्पाद सेवा आदि के बारे में उनकी राय को कुशलता पूर्वक ट्रैक करने के लिए अलग अलग समूहों पर बंद हुए सवालों को अलग अलग समूहों से भी पूछा जा सकता है प्रश्नों को तैयार करने में विचार हमेशा साधारण और हर रोज उपयोग होने वाली भाषा का इस्तेमाल करें स्पष्ट प्रश्नों का उपयोग न करें डबल अर्थ वाले सवाल मत पूछें अग्रणी प्रश्न मत पूछें अनुमानों के आधार पर सवाल मत पूछें इससे यह पता चलेगा कि क्या कोई प्रतिवादी उस श्रेणी में फिट बैठता है जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है अनुसूचियाँ अनुसूचियाँ प्रश्नावली की तरह हैं जो गणक या जांचकर्ताओं द्वारा भरी जाती हैं वे उत्तरदाताओं को प्रश्नों की व्याख्या करने में भी मदद करेंगी यह व्यापक पूछताछ में भी उपयोगी हैं और काफ़ी वांछनीय परिणाम पैदा कर सकती हैं शेड्यूल और प्रश्नावली के बीच चयन करना सही उपकरण चुनना इन पैरामीटरों पर निर्भर करता है जांच की प्रकृति यदि प्रश्नावली की तुलना में संवेदनशील मुद्दों पर शोध किया जाना चाहिए तो उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए जनसंख्या का भौगोलिक वितरण बड़े पैमाने पर बिखरे हुए उत्तरदाताओं के लिए प्रश्नावली विधि बेहतर है अध्ययन जनसंख्या का प्रकार अशिक्षित बहुत ही युवा बहुत पुराना विकलांग लोगों के लिए अनुसूची पद्धति का उपयोग करने के लिए कोई विकल्प नहीं हो सकता है साक्षात्कार साक्षात्कार आमतौर पर संग्रह जानकारी फॉर्म लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है विशिष्ट उद्देश्य के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी भी व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क को साक्षात्कार कहा जाता है एक साझेदार के अनुभवों के पीछे कहानी पाने के लिए साक्षात्कार विशेष रूप से उपयोगी होते हैं साक्षात्कारकर्ता विषय के बारे में गहन जानकारी का पीछा कर सकता है साक्षात्कार औपचारिक रूप से संरचित अर्ध संरचित या अनौपचारिक रूप से किया जा सकता है प्रश्नों को ध्यान केंद्रित स्पष्ट और ओपन एंड रिस्पॉन्स को प्रोत्साहित करना चाहिए साक्षात्कार मुख्य रूप से प्रकृति में गुणात्मक है गहराई से साक्षात्कार एक गुणात्मक अनुसंधान तकनीक है जिसमें एक विशिष्ट विचार कार्यक्रम या परिस्थिति पर अपने दृष्टिकोण को पता लगाने के लिए उत्तरदाताओं की एक छोटी संख्या के साथ गहन व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करना शामिल है इंटरव्यू गाइड उन साक्षात्कार की एक सूची है जो आप साक्षात्कार के दौरान अपने प्रतिभागियों से पूछेंगे ऐसे मानक तीन प्रकार के साक्षात्कार होते हैं जो किसी को आचरण करने का विकल्प चुन सकता है संरचित यह एक मानकीकृत साक्षात्कार या शोधकर्ता प्रशासित सर्वेक्षण के रूप में भी जाना जाता है एक मात्रात्मक शोध पद्धति है जो आमतौर पर सर्वेक्षण अनुसंधान में नियोजित होती है इस दृष्टिकोण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक साक्षात्कार उसी क्रम में उसी प्रश्न के साथ प्रस्तुत किया जाए अनस्ट्रक्चर्ड एक अनसंरचित साक्षात्कार या गैर निर्देश साक्षात्कार एक साक्षात्कार है जिसमें प्रश्नों को अग्रसरित नहीं किया जाता है गैर निर्देशित साक्षात्कार एक संरचित साक्षात्कार के विपरीत माना जाता है जो एक निर्धारित मानों के अनुसार प्रदान करता है अर्ध संरचित यह जांच की एक गुणात्मक पद्धति है जो एक पूर्व निर्धारित निर्धारित खुले प्रश्नों को जोड़ती है जो चर्चा को शीघ्र मंजूरी देगी और साक्षात्कारकर्ता को विशेष विषयों या प्रतिक्रियाओं का पता लगाने के अवसर प्रदान करेगा अवलोकन विधि अवलोकन एक व्यवस्थित डाटा संग्रहण दृष्टिकोण है प्राकृतिक परिस्थितियों या स्वाभाविक रूप से होने वाली परिस्थितियों में लोगों की जांच करने के लिए शोधकर्ता अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करते हैं यह एक लंबे समय तक चलने वाली शोध प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय के अध्ययन के लिए वहां रहकर अवलोकन किया जाता है अवलोकन के प्रकार शारीरिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के साथ ही विभिन्न प्रकार के अवलोकन किए गए हैं इन्हें शोध डिजाइन के आधार पर उपयोग किया जाता है विभिन्न अवलोकन विधियों का बुनियादी वर्गीकरण इस प्रकार है प्रतिभागी अवलोकन जब शोधकर्ता समूह की गतिविधियों में भाग लेता है तो इसके सदस्यों के साथ या उनके बिना यह जानकर कि वे देखे जा रहे हैं उसी तरीके से मनाया जाता है गैर प्रतिभागी अवलोकन जब शोधकर्ता समूह की गतिविधियों में शामिल नहीं होता है लेकिन एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक को देख रहा है और उसकी गतिविधियों को सुनना और इससे निष्कर्ष निकालना है केस या मामले का अध्ययन केस स्टडी मेथड केस अध्ययन एक व्यक्ति या व्यक्तियों घटनाओं फैसलों परियोजनाओं नीतियों संस्थाओं या अन्य प्रणालियों का विश्लेषण कर रहे हैं जो कि एक या अधिक तरीकों से व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है मामला यानी केस अध्ययन विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान मनोविज्ञान नृविज्ञान और परिस्थितिकी में उपयोग किया गया है केस स्टडी रिसर्च का अर्थ एकल और कई केस स्टडीज हो सकता है इसमें मात्रात्मक सबूत शामिल है सबूत कई स्रोतों पर निर्भर होते हैं केस अध्ययन अनुसंधान को गुणात्मक अनुसंधान के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अध्ययन मात्रात्मक और गुणात्मक डाटा के मिश्रण पर आधारित हो सकते हैं मामला यानि केस अध्ययन पूरी तरह से सांख्यिकीय सर्वेक्षण से अधिक यथार्थवादी प्रतिक्रिया प्रदान करता है उदाहरण के लिए एक सांख्यिकीय सर्वेक्षण यह दिखा सकता है कि लोग मोबाइल फोन पर कितना वक्त बिताते हैं लेकिन यह एक संकीर्ण समूह का मामला है जो यह निर्धारित करेगा कि ऐसा क्यों है केस स्टडी के दौरान याद रखने वाली अन्य मुख्य चीज उनकी लचीलापन है हालांकि एक शोधकर्ता एक अनुमान को साबित करने या अस्वीकार करने की कोशिश कर रहा है एक केस अध्ययन अपने पाठ्यक्रम के दौरान नए और अप्रत्याशित परिणाम पेश कर सकता है और नए दिशा निर्देश लेने के लिए अनुसंधान कर सकता है मामला यानी केस अध्ययन अनुसंधान डिजाइन यह भी परीक्षण के लिए उपयोगी है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों और मॉडल वास्तव में वास्तविक दुनिया में काम करते हैं या नहीं अंत में अपने परिणामों के अन्य लोगों को सूचित करते समय मामला अध्ययन विशुद्ध रूप से सांख्यकीय सर्वेक्षणों के मुकाबले अधिक रोचक विषय बनाता है कुछ वर्षों के लिए शिक्षकों और पत्रिका संपादकों द्वारा इसका एहसास हो गया है सामान्य जनसंख्या की सांख्यकीय गणना के पन्नों में बहुत कम दिलचस्पी है लेकिन कुछ अच्छी तरह से रखे केस अध्ययनों का एक मजबूत प्रभाव हो सकता है केस अध्ययन के प्रकार सबसे अधिक अनुकूल एक सिद्धांत को वर्णन करने और इसे एक सकारात्मक प्रकाश में दिखाने के लिए असाधारण कम से कम अनुकूल मामला चुनकर एक परिकल्पना को मान्य या गलत साबित करने के लिए महत्वपूर्ण मामला पिछले सिद्धांतों और अन्य कारकों की सीमाओं को दिखाने के लिए एक केस का उपयोग करना जो ऑपरेटिंग हो सकता है व्याख्यात्मक यह चरित्र में वर्णात्मक है और एक प्रोग्राम या नीति के बारे में अन्य जानकारी के लिए यथार्थवाद और गहन उदाहरणों को जोड़ने का इरादा है इन्हीं समग्र निष्कर्षों के उदाहरण प्रदान करके मात्रात्मक डाटा को पूरक करने के लिए अक्सर उपयोग किया जाता है खोजी यह भी वर्णात्मक है लेकिन परिणाम प्रदान करने के बजाय बाद की जांच के लिए अनुमानों को तैयार करना है संचय यह कई मामलों के अध्ययनों से मूल्यांकन के सवालों के उत्तर देने के लिए एक साथ लाता है केस स्टडी आयोजित करने की प्रक्रिया कई प्रसिद्ध केस स्टडी शोधकर्ताओं जैसे रॉबर्ट इन हेलेन सिमंस ने केस स्टडी रिसर्च के बारे में लिखा है और सफलतापूर्वक अनुसंधान के आयोजन और संचालन के सुझाव दिए हैं अध्ययन अनुसंधान के मामले में यह परिचय उनके काम पर आकृष्ट करता है केस स्टडी प्रक्रिया को आयोजित करने के लिए इन चरणों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए पहला केस स्टडी प्रक्रिया में अनुसंधान प्रश्नों को निर्धारित और परिभाषित करें दूसरा केस स्टडी प्रक्रिया में केस का चयन करें और डाटा एकत्रण और विश्लेषण तकनीकों का निर्धारण करें तीसरा केस स्टडी प्रक्रिया में डाटा को एकत्रित करने के लिए तैयार करें चौथा केस स्टडी प्रक्रिया में डाटा का मूल्यांकन और विश्लेषण करें पांचवा केस स्टडी प्रक्रिया में रिपोर्ट तैयार करें आज के व्याख्यान में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वे हैं अनुसंधान डिजाइन अनुसंधान में नमूनाकरण का परिचय नमूनाकरण के प्रकार डाटा संग्रहण उपकरण और तकनीक प्रश्नावली अनुसूची साक्षात्कार अवलोकन केस अध्ययन अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं नमस्कार